नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। आज गाइस हम बात करने वाले हैं तारक मेहता के उल्टा चश्मा के मोस्ट पॉपुलर, घर घर में दोस्तों सभी के प्यारे, सभी के गाइस दिल के करीब दिलीप जोशी, जो कि 2008 से लेके अब तक यानी कि बीते 13 सालों तक दर्शकों का दोस्तों मनोरंजन करते आए हैं जेठालाल के कैरेक्टर में। और जेठालाल का कैरेक्टर गाइस आप यकीन मानिए आज के डेट में हर एक हिंदुस्तानी का चहेता बन चुका है। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं आखिर क्या ऐसा हुआ है जिसकी वजह से जेठालाल उर्फ दिलीप जोशी सर तारक मेहता के उल्टा चश्मा की छोड़ने की खबर आ रही है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को गाइस एंड तक जरूर देखना। जैसा कि आपको पता है कि तारक मेहता के उल्टा चश्मा का दोस्तों आगाज हुआ था 2008 में, और 2008 के बाद ये इंडिया ही नहीं वर्ल्ड गिनेस रिकॉर्ड में, और गाइस 2008 के बाद इंडिया का तो सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग शो बना ही हुआ है। लेकिन अभी भी गाइस इस शो ने देशों दुनिया में जिस तरीके से अपने अलग अलग खिताबों में नाम दर्ज कराया है, चाहे वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में हो, चाहे वो दोस्तों बड़े बड़े अवार्ड्स हों या फिर टेलीविजन के सभी अवार्ड जो कि तारक मेहता के उल्टा चश्मा के नाम है। और इसी शो में दोस्तों कई सारे उतार चढ़ाव आते रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि 13 साल का बहुत ही लंबा समय होता है, जब हम टीनेजर थे, जब हम बच्चे थे, उस समय से गाइस इस शो को देखते आ रहे हैं। और अमूमन आज के डेट में वो सारे बच्चे 18 प्लस हो चुके हैं जो कि इस शो को अब भी लगातार सोशल मीडिया पे, अलग अलग हैंडल्स पे और तारक मेहता के दोस्तों सभी चैनल्स पे, चाहे वो सोनी पल हो, सोनी सब हो, हर जगह पे इस शो को, इसकी TRP इंक्रीज करते रहे हैं। और इसी के चलते गाइस यही दर्शकों का प्यार ही है जिसकी वजह से ये शो 13 साल और 13 साल से ज़्यादा हो चुका है, अब भी दोस्तों ये शो अपने TRP के लिस्ट में हमेशा top 5 में बना होता है, हमेशा टॉप में रहा है। लेकिन आज कुछ ऐसा दौर आ चुका है जब आपको पता होगा कि तारक मेहता के उल्टा चश्मा का बहुत ही दोस्तों बुरा दिन चल रहा है। जैसा कि आपको पता है कि तारक मेहता के उल्टा चश्मा की लगातार TRP में गिरावट और शो में अलग अलग कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराना, जो पुराने एक्टर्स थे उन्होंने इस शो को रिप्लेस किया, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने दोस्तों आए दिन इस शो से दूरियां बना ली। जैसा कि चाहे आप ले लीजिए अंजलि भाभी जो कि पुरानी अंजलि भाभी थी, या फिर आप बात कीजिए गुरुचरण सिंह सोडी उर्फ हरदीप सिंह सोडी जो कि गाइस इसमें रोशन सिंह सोडी का कैरेक्टर निभाते थे, वो भी काफी पॉपुलर थे। लेकिन अब आगे जाके दोस्तों इन्होंने भी सीरियल से इस शो को अलविदा कहा। लेकिन अब गाइस यहां पे दारमदार, जैसा कि आपको पता है कि इस शो के कर्ता धर्ता और इस शो को ऑलराउंडर माने गए थे, और असित भाई मोदी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि तारक मेहता के उल्टा चश्मा में दोस्तों उनको सबसे ज्यादा जो उम्मीद थी वो जेठालाल और गाइस दिलीप जोशी सर ने इस सीरियल के लिए, स्टार कास्ट के लिए जितने भी दोस्तों इस सीरियल में आपको कलाकार देखने को मिले हैं, अमूमन जेठालाल के ही निर्देशकों पे, जेठालाल के ही कहे जाने पे असित कुमार मोदी, सोनी सब ने इन सारे कैरेक्टर को उसी तरीके से ढाला जो कि आज के डेट में दोस्तों न केवल दिलीप जोशी सर, इस सीरियल से जुड़े हुए सभी कलाकारों को लोग उतना ही प्यार देते आए हैं जितना कि दिलीप जोशी सर को दिया है, दया भाभी को दिया है, या फिर आप ले लीजिए मेहता साहब को जो कि अब तक के दोस्तों सबसे बड़े लेखक प्लस और इंडिया के सबसे अच्छे कवि रहे हैं। और मनोरंजनकर्ता में दोस्तों इन सभी कलाकारों का नाम जो है वो बेशुमार हमेशा ही शामिल किया जाएगा। लेकिन अब कुछ ऐसा समय आ चुका है दोस्तों कि जब जेठालाल जो है वो अब ये डिसीजन ले सकते हैं कि वो इस शो को अलविदा कह दे, टाटा बाय बाय कह दे, जो कि अब तक का गाइस सबसे पॉपुलर शो रहा है। हालांकि अगर हम बात करें दिलीप जोशी सर की तो उन्होंने इससे पहले भी कई सारी मूवीज में काम किया है, लेकिन वो अपार सफलता उनको मूवीज में नहीं मिल पा रही थी। कई सालों तक दोस्तों मूवी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने के बाद तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो कि एक गेम चेंजर बन के निकला, जिसके लिए गाइस जेठालाल सर और इस शो के सभी कलाकार इस सीरियल से बहुत ही लंबे समय तक जुड़े रहे। शो में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए जैसा कि हर एक शो में आता है, लेकिन उसके बाद भी गाइस अभी तक ये शो तो चल ही रहा है। अभी तक तो मैं ये जरूर आपको कहूंगा ये बिल्कुल फाइनल नहीं है, ये अभी रूमर्स हैं, रूमर्स बताया जा रहा है। लेकिन हो सकता है कि अब जो दौर चल रहा है इस दौर में जेठालाल उर्फ दिलीप जोशी सर इस शो को दोस्तों अगर छोड़ देते हैं तो क्या ये शो आगे रन कर पाएगा, आगे ये शो टेलीकास्ट भी हो पाएगा, या फिर इनके मेकर्स को दोस्तों अब डिसीजन लेना पड़ेगा तारक मेहता के उल्टा चश्मा को ऑफर करने का। क्योंकि जहां तक मुझे नहीं लगता है कि इस शो में, इस सीरियल में अब कुछ ऐसा बचा है जो गाइस यहां पे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या फिर सोनी सब कुछ चेंजेस कर सकता है, क्योंकि सभी की जो एज है वो कुछ आप 13 साल पहले देखें
जिस हिसाब से लोगों ने एक्टिंग किया, लोगों ने दोस्तों दर्शकों का मनोरंजन किया, अब सभी कलाकार बदल चुके हैं, सभी स्टोरी बदल चुकी है, इसलिए अब हो सकता है गाइस कि आने वाले कुछ दिनों में दिलीप जोशी सर ये फैसला ले लें कि वो इस शो को अलविदा कहेंगे। वेल, अगर ऐसा होता है तो क्या लगता है आपको, क्या उसके बाद भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा कंटिन्यू कर पाएगा, और क्या अब वो वक्त आ गया है कि दिलीप जोशी सर को तारक मेहता के उल्टा चश्मा को छोड़ अब मूवीज़ और वेब सीरीज़ में अपना हाथ एक बार फिर से आजमाना चाहिए, क्या लगता है आपको? आप अपने ओपिनियन दोस्तों ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।